हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने अपनी इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग वेबसाइट के लिए डोमेन नेम कैसे परचेज़ करते हैं, वेब होस्टिंग कैसे परचेज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज़ करते हैं और अब आप जब उनकी फुली पेमेंट कर देते हैं, तो फुली पेमेंट करने के बाद जो आप लोगों ने उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर की होती है या जिस ईमेल आईडी से आपने उसकी पेमेंट की होती है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक मेल आती है और उस मेल के अंदर आपको पूरे के पूरे सी पैनल की डिटेल होती है। सी पैनल मींस कंट्रोल पैनल। एक लिंक गिवन होता है दोस्तों उसके अंदर। लिंक क्या होता है? जो भी आप अपना डोमेन चूज़ किया था, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है योर वेबसाइट नेम, मतलब जो भी आप लोगों ने अपना डोमेन नेम चूज़ किया होगा, वो डोमेन नेम के साथ स्लैश करके जो भी आपका सी पैनल, ये एक आइकन बना होगा, ये देखिए जिसमें ये दिख रहा है योर वेबसाइट नेम, जो भी आपका डोमेन नेम होगा स्लैश सी पैनल, ये एक लिंक होगा। अब हम इस लिंक को ओपन करके किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर सबसे पहले वेबसाइट बनाने से पहले सबसे पहले कैसे सी पैनल को के ऊपर काम करते हैं, चलिए मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ कैसे हम लोग सी पैनल पर काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरी एक ही वेबसाइट है rajeevanand.in, ये मैंने सिंपली एक डोमेन नेम लिया हुआ है। अब मैं इसके सी पैनल में चलता हूँ, तो मैं सी पैनल ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर अपनी वेबसाइट के नेम के आगे सी पैनल किया, तो ये एक मेरी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। तो अब हम इस कंट्रोल पैनल के साथ क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में सबसे पहले जो भी मेरी जीमेल के ऊपर मुझे यूज़र नेम गिवन है वो मैंने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड जो भी मैंने अपना पासवर्ड रखा हुआ है मैं पासवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, लॉगिन। और देखिए जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेस हुआ, ये मेरी वेबसाइट का एक तरीके से कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। देखिए कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको देखिए जैसे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, डेटाबेस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, डोमेन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ईमेल से रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे ये ईमेल से रिलेटेड ऑप्शन, जैसे कि हम लोग आपने देखा होगा कई बार कंपनी की प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं, तो वो ये ईमेल से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऐसे ही मेट्रिक से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, एडवांस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे कंट्रोल पैनल में गिवन है। इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट्स को बनाते हैं, ईमेल आईडीज़ को बनाते हैं, डोमेन को चूज़ करते हैं। दोस्तों इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमने जो अपनी इस वेबसाइट का डोमेन नेम कंट्रोल पैनल जो ओपन किया है, तो उस कंट्रोल पैनल का यूज़ किया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक सॉफ्टकूलर्स ऐप इंस्टॉलर दिख रहा है। इट मींस देर आर लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट, जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट गिवन है, वर्डप्रेस, जूमला, एबेंटा कार्ड, प्रस्ता शॉप, ओपन कार्ड, जूमला, ड्रुपल। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे गया, तो देखिए PHP, BB, SMF, मैगेंटो, दोस्तों ये WHM CMS, MyBB, दोस्तों ये सारी स्क्रिप्ट्स वो हैं जिन वेब स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स बना सकते हैं। देखिए जैसे हमें कोई रियल एस्टेट वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। कोई और हम लोगों को वेबसाइट्स बनानी है, कोई ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनानी है, तो ये सारी स्क्रिप्ट्स है। इन स्क्रिप्ट्स में दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमने किस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, हमने जिस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है या हमने जिस स्क्रिप्ट के को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है या मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ, वो उस स्क्रिप्ट का नाम है दोस्तों वर्डप्रेस। अब सबसे पहले वर्डप्रेस क्या है, तो मैं वर्डप्रेस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। वर्डप्रेस के देखिए जिस तरीके से वर्डप्रेस, अब देखिए दोस्तों वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन PHP एंड MySQL। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का टूल है, या आप बोल सकते हो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि किस में बना हुआ है, जो कि PHP लैंग्वेज में बना हुआ है। और इसके डेटाबेस के लिए, यानी कि इसके हम बैकएंड ऑपरेशन के लिए जहाँ पे हमारी सारा डेटा वैल्यू स्टोर होती है, उसके लिए हम लोग MySQL यूज़ करते हैं। MySQL भी अपने आप में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस है क्या, वर्डप्रेस के अंदर हम लोग बहुत सारी टैम्पलेट्स होती हैं। वर्डप्रेस एज अ वेब टैम्पलेट सिस्टम यूजिंग अ टैम्पलेट प्रोसेसर्स। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी टैम्पलेट गिवन होती हैं, जिन टैम्पलेट्स को यूज़ करके हम लोग वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। वर्डप्रेस को 2001 के अंदर स्टार्ट किया गया था और इनके कोफाउंडर का नाम था मैट मुलनबेग। बट इन मई 2003 वर्डप्रेस को फुल्ली लॉन्च किया गया। जब वर्डप्रेस को लॉन्च किया गया तो वर्डप्रेस सिंपली एक ब्लॉग की तरह काम करता था। वर्डप्रेस हैज़ ए मेयरली अ फ्री ब्लॉगिंग फॉरम साइट। लेकिन आफ्टर दैट वर्डप्रेस के अंदर बहुत कुछ चीज़ें, नया इन्वॉल्वमेंट आया, नया बहुत कुछ आया, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, वर्डप्रेस हैज़ इवॉल्व टू बी ए फुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विद विडगेट्स या विजेट भी बोलते हैं इसको, प्लगइन्स एंड लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेबल
थीम्स। तो दोस्तों बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे विडगेट ऑप्शंस है, प्लगइन्स है, कस्टमाइजेबल थीम्स है। ये मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम विडगेट का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम प्लगइन का यूज़ करते हैं और इन सब का यूज़ करके हम वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम दोबारा से एक बार अपने सी पैनल के साथ। सी पैनल के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए देखिए यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट गिवन है। मैं वर्डप्रेस करना है अपने इस वेब अपने डोमेन नेम पे rajeevanand.in पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए वर्डप्रेस का जो भी लेटेस्ट वर्जन इस टाइम होगा, जैसे 4.7.5 ये वर्जन इस टाइम वर्डप्रेस का चल रहा है। इस वर्डप्रेस के इस वर्ज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ का। इंस्टॉल नाउ करने के बाद मेरा वर्डप्रेस मेरे इस डोमेन नेम के ऊपर rajeevanand.in के ऊपर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने से पहले जैसे हम लोग कई बार अगर कोई स्पेस चेक करना चाहें तो देखिए अवेलेबल स्पेस मेरी ये सिस्टम के अंदर किया, मेरे जो भी मैंने अपने वेब सर्वर परचेज़ किया उसके अंदर मेरे कितना स्पेस है और वर्डप्रेस को कितना स्पेस चाहिए। देखिए लिखा रहा है 22.37 MB और एक्चुअल में मेरे पास अवेलेबल स्पेस कितना है 4998.97। इट मीन्स मेरे पास अवेलेबल स्पेस बहुत सारा है और मेरे को रिक्वायर्ड स्पेस बहुत थोड़ा चाहिए। तो इट मीन्स मैं ईजिली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे अब मैंने वर्डप्रेस में जब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया दोस्तों, अब ये जो पोर्शन है वर्डप्रेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे सबसे पहले हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमें ये चूज़ करना होता है कि हमारे प्रोटोकॉल कौन से हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चार टाइप के प्रोटोकॉल गिवन है, HTTP, HTTP WWW, HTTPS, HTTPS WWW। दोस्तों इन चारों में डिफरेंस क्या है, HTTP यूज़ हम प्रोटोकॉल तब करते हैं जब हमारे को कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट बनानी होती है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सिर्फ हमारी कंट्री में ही ओपन हो, ये बाकी किसी और दूसरी कंट्रीज़ में ओपन ना हो। HTTP WWW प्रोटोकॉल हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी कंट्री में भी ओपन हो, हमारे रीजन में भी ओपन हो और बाहर भी ओपन हो। HTTPS जो है, ये जो S है, S स्टैंड फॉर सिक्योर। सिक्योर मींस कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप एक सिक्योरिटी लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, जिस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है उसको। तो HTTPS एक तरीके से परचेजेबल होता है, तो अभी हम लोग इसको यह यूज़ नहीं करेंगे। ये भी सेम वही है, जब अपनी कंट्री में सिक्योरिंग चलानी हो तो HTTPS और अगर अपनी कंट्री उस बाहर की कंट्री में सिक्योर चलाना हो तो HTTPS WWW। अभी हम लोग सबसे पहले इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके HTTP WWW को यूज़ करके अपनी वेबसाइट अपने डोमेन के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ से प्रोटोकॉल चूज़ करता हूँ HTTP WWW। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट जो है वो मेरी कंट्री यानी कि इंडिया में भी ओपन हो और इंडिया से बाहर भी ओपन हो। डोमेन नेम ऑलरेडी जो मेरा है वो लिखा हुआ है इसके अंदर rajeevanand.in। डायरेक्टरी में जो WP लिखा हुआ है, WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ से फिलहाल अभी डायरेक्टरी को हटा देता हूँ और जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से इस WP को आपको डिलीट करना है। उसके बाद नीचे चले, नीचे चलने के बाद देखिए साइट की सेटिंग में आया सबसे पहले साइट का नेम, बाय डिफ़ॉल्ट माई ब्लॉग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का नाम जो आपकी वेबसाइट का मेन जो यहाँ पर दिखता है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने सॉफ्टा कूलर स्क्रिप्ट ओपन की हुई है वर्डप्रेस में, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे इसका दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ माई ब्लॉग की जगह आप कुछ और लिखा है या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जैसे मान लो आपकी बिज़नेस, आपको बिज़नेस चला रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी का बिज़नेस, आप चाहते हैं मेरी साइट का नाम आए टेक्नोलॉजी अपडेट्स वेबसाइट, तो आपने यहाँ पे डाल दिया। और देखिए जिस तरीके से आपको आजकल पता ही है हर मूवी का भी एक डिस्क्रिप्शन होती है, हर मूवी की भी एक टैगलाइन होती है, ऐसी ही एक वेबसाइट के अंदर भी वेबसाइट की जो लाइन होती है उसकी भी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है। तो अभी हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही सेम डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ या यही डिस्क्रिप्शन लेने देता हूँ ताकि आपको इन दोनों में जब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों आया कि हम अपने वर्डप्रेस के अंदर हम जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के हम लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड रखने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन का यूज़र नेम एडमिन होता है, अगर आप इसको चेंज करके कोई भी अपना नाम रखना चाहें, जैसे मान लो मैं अपने एडमिन का नाम अपना ही रखना चाहता हूँ राजीव, तो मैंने यहाँ पर राजीव कर लिया। और एक पासवर्ड है, पासवर्ड को मैंने सिंपल अभी रख लेता हूँ, पासवर्ड @123। देखिए दोस्तों जैसे मैंने पासवर्ड रखा ये स्ट्रॉन्ग, इट मींस कि अब ये पासवर्ड एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आप ये नहीं शो करना चाहते तो हाइड कर दे सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। अब आया दोस्तों जब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरी एडमिन की कौन सी ईमेल आईडी होगी। अभी तक मैंने अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई है, तो यहाँ पर मैं अपनी जो भी सिंपल ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, जीमेल की, याहू की, रेडिफ की, आप कोई भी डाल सकते हैं। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी इसके अंदर डाल देता हूँ, rajeev.anand9@gmail.com। ये मैंने अपनी वेबसाइट अपनी ईमेल आईडी डाल दी ताकि जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो मेरे इस डोमेन के ऊपर तो मेरी इस वाली ईमेल आईडी के अंदर मेरे पास पूरी डिटेल आ जाए। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही है।
उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडवांस ऑप्शन, अगर आप चाहें एडवांस ऑप्शन में जाकर अपने अकॉर्डिंग ही वर्डप्रेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, तो आपको इसको भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर जितने भी आप काम कर रहे हैं ऑटो अपग्रेड हो जाए, ठीक है, वर्डप्रेस में जितने भी आप लोग आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा जैसे प्लगइन्स क्या होते हैं, तो आप चाहते हैं जो आपने प्लगइन एक बार यूज़ कर दिया वो ऑटो अपग्रेड हो जाए, तो आप इस चेकबॉक्स को भी ये कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ताकि अब जितने भी प्लगइन हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट में वो ऑटोमेटिक अपग्रेड होते रहें, या जो भी मैं वर्डप्रेस के अंदर थीम यूज़ कर रहा हूँ वो थीम भी ऑटोमेटिक, अगर उसका कोई भी नया वर्जन आया, नया कोई भी चेंज आया उस थीम के अंदर, तो वो भी ऑटो अपग्रेड हो जाए। तो मैंने ये दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर लिया ताकि जितने भी वर्डप्रेस में मैं थीम यूज़ करूँगा या वर्डप्रेस के अंदर मैं प्लगइन यूज़ करूँगा तो वो ऑटो अपग्रेड अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। बैकअप लोकेशन, आप अपने वर्डप्रेस के अगर कोई बैकअप लेना चाहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है बैकअप, आप उसके अंदर ईजिली आपको मिल जाता है। आगे चलते हैं, देखिए ये वर्डप्रेस में जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी में भी बताया कि वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं, तो ये कुछ टेम्पलेट्स गिवन हैं, जैसे डेमो टेम्पलेट्स हैं कुछ, अगर आप इनमें से कुछ टेम्पलेट्स रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो जो भी वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट थीम होगी वो आपको आपके डोमेन नेम पर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर मिलेगी। अब मैं यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको इंस्टॉल का लिंक दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल की आपके पास डिटेल आए तो आप अपनी यहाँ पर भी ई मेल आई डी डाल देते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ई मेल आई डी के ऊपर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की पूरी मेल आए, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और अब ईमेल आईडी डालने के बाद मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने वर्डप्रेस के इंस्टॉल पर क्लिक किया, इंस्टॉल पर क्लिक होने के बाद ये देखिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा, और ये देखिए वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट www.rajeevanand.in। अब मैं एक बार आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, rajeevanand.in। देखिए दोस्तों ये हमारी वेबसाइट का अभी इस टाइम पर एक फ्रंट पेज आया है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि हमने कोई थीम नहीं लिया वर्डप्रेस में, जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट अपडेटेड थीम है बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल होकर एक तरीके से आपको यहाँ पर शो हो रही है। और देखिए ये देखिए जो हम लोगों ने उसकी टैगलाइन रखी थी टेक्नोलॉजी अपडेट्स वेबसाइट, और ये देखिए यहाँ पर भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिख रही है टेक्नोलॉजी अपडेट वेबसाइट, और ये देखिए दोस्तों आपको टैब के अंदर ये भी दिख रहा है टेक्नोलॉजी अपडेट वेबसाइट माय वर्डप्रेस ब्लॉग। इट मींस ये हो गया मेरी वेबसाइट का टाइटल और ये हो गया मेरा वर्डप्रेस का टैगलाइन, या जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, माय वर्डप्रेस ब्लॉग जहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए अब ये मेरी वेबसाइट के अंदर इस डोमेन नेम के ऊपर मेरा पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर आ गया है। अब हम चलते हैं एक बार दोबारा से। अब देखिए दोस्तों हमारा कंट्रोल पैनल का फिलहाल अभी मेरे को यही काम आपको बताना था कि आपको एक्चुअल में कंट्रोल पैनल का यूज़ करके कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इसको अब लॉग आउट करना चाहें तो बहुत सिंपली हम लोग देखिए यहाँ पे एक लास्ट आइकन दिख रहा है लॉग आउट का, तो मैं यहाँ से इसको अभी फिलहाल के लिए लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फाइनली हमारी वेबसाइट हमारे डोमेन के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि अब इस डोमेन के हम लोग एडमिन पैनल में चले, जहाँ पर मैंने अपने एडमिन का नाम राजीव रखा था और अपना एक पासवर्ड रखा था password@123। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बार चेंज करूँ या ओपन करके देखूँ। तो देखो दोस्तों एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपकी वेबसाइट का नाम /wp-admin लिखना होता है, एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और जो भी आपने पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड हम डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये मेरी वेबसाइट का बैकएंड यानी कि डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो थी, आपको मैं कंट्रोल पैनल के बारे में बताना चाहता था, आपको आपकी मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे ओपन किया जाता है। फाइनली हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट को अब ओपन कर चुके हैं, ये हम अपने डैशबोर्ड पे हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे कैसे वर्डप्रेस की इन वेबसाइट्स के इस तरीके की वेबसाइट्स को और बना सकते हैं, और वर्डप्रेस में हम देख रहे होंगे जितने भी ऑप्शन है पोस्ट मीडिया पेजेस कमेंट्स अपीयरेंस प्लगइन्स यूजर्स टूल्स सेटिंग्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस कैसे कैसे यूज़ करके आप बहुत अच्छी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं, ये मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम लोग हाउ टू वेबसाइट को कैसे वर्डप्रेस में डेवलप करते हैं, हाउ टू डेवलप वेबसाइट इन वर्डप्रेस। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियोस, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो सारी की सारी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड ये दोस्तों मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मेरा अपना एक न्यूज़ और अपडेट्स की वेबसाइट है digitword.org। प्लीज़ अगर आप लोगों को टाइम लगे तो इस वेबसाइट को भी टाइम टू टाइम देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियोज़।